हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टॉपिक चल रहा है मिलने थॉमसन मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने मिलने थॉमसन मेथड का केस वन पढ़ा था जिसमें आपको रियल पार्ट गिवन होता है, उसका हमने फ्लो चार्ट समझा था और साथ साथ दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सिंप्लीफाई की थी सो दैट यू विल गेट द गुड आइडिया अबाउट द कंसेप्ट। ठीक है, अब एक बार ध्यान से सुनिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन करने का एक तरीका और होता है जिसको हम पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, बट कंपैरेटिवली वो तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, इंटीग्रेशन में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत करता है, इसलिए आप ट्राई कीजिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन कभी भी आए तो आप मिलने थॉमसन मेथड यूज कीजिए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केस टू, इफ इमेजिनरी पार्ट वी इज गिवन। पिछले केस में रियल पार्ट गिवन था, आपने एनालिटिक फंक्शन और इमेजिनरी पार्ट निकाला, इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है, आप एनालिटिक फंक्शन और रियल पार्ट निकाल लेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। साथ के साथ प्लीज वॉच द लेक्चर ऑन द यूट्यूब ओनली टिल द एंड सो दैट इट विल सपोर्ट मी एंड आई विल कंटिन्यू टू मेक सच लेक्चर्स इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कब? जब आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन हो किसी भी एनालिटिक फंक्शन का। तो स्टेप वन होगा, सबसे पहले उस इमेजिनरी पार्ट वी को आप साई मानेंगे, दिस इज साई, द प्रीवियस वाज फाई, तो दिस इज साई, साई एक्स वाई आप मानेंगे। स्टेप टू, पार्शियली डिफरेंशिएट साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जैसे वहां फाई को पार्शियल डेरिवेटिव किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, वहां आप साई को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। उसके बाद थर्ड स्टेप, वहां क्या था, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है, सेम यहां पे है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो, इन अबव डेरिवेटिव्स वी गेट फाइव एक्स जेड जीरो मिल गया और फाइव वाई जेड जीरो मिल गया। अब स्टेप फोर क्या है, सो नाउ बाय मिलने थॉमसन मेथड एफ जेड का फॉर्मूला, जेड इज इक्वल टू साई वाई, पिछले फॉर्मूले में फाइव एक्स था यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ वाई की टर्म पहले आएगी, प्लस ध्यान रखिएगा पिछले फॉर्मूले में माइनस था, तो यहाँ प्लस है आयोटा साई एक्स, तो यहां दूसरी टर्म एक्स की है और पहली टर्म वाई की है, पिछले फॉर्मूले में पहली टर्म एक्स की थी और दूसरी टर्म वाई की थी और बीच में माइनस साइन का था, बाकी सब कुछ सेम है प्लस सी। और उसके बाद जब आपका एनालिटिक फंक्शन निकल गया तो फाइंड द रियल पार्ट यू, तो बाकी सब कुछ सेम है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो बाकी स्टेप आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। साफ पता लग रहा है साई चाहिए पहले, ठीक है, फिर साई एक्स और साई वाई निकालना है, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव टू एक्स एंड वाई, ठीक है, फिर एक्स की जेड और वाई की जगह जीरो पुट करना है, ठीक है, और फिर उसको इस फॉर्मूला में पुट करके इंटीग्रेट कर देना है, तो दैट्स हाउ यू विल गेट योर आंसर। कई बुक्स में या कई जगह मैंने देखा है इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट जीरो टू जेड पुट करते हैं, वहां वो प्लस सी नहीं लगाते, बोथ आर सेम, बोथ आर करेक्ट, आप जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं एक बात मैं बता देता हूं कि जो आपका सिंपल एनालिटिक फंक्शन निकालने का तरीका है जो मैं पोलर फॉर्म में कराऊंगा आपको, उसकी इंटीग्रेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप मिलने थॉमसन मेथड यूज करें जब भी आपसे एनालिटिक फंक्शन मांगा जाए, फॉर द गिवन रियल पार्ट और फॉर द गिवन इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया यहां तक, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस टॉपिक एंड यू विल गेट द गुड आइडिया अबाउट केस टू एज वेल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ जेड दैट इज यू प्लस आइटा वी, आपको पता है एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आइटा वी होती है, whose imaginary part is v की वैल्यू आपको दे रखी है sin hyperbolic x cos y। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बामू महाराष्ट्र में ईयर 2016 में पूछा जा चुका है और पीटीयू जलंधर में दिसंबर 2014 में पूछा जा चुका है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन v की वैल्यू आपको पता है, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो v गिवन है उसको आप साई मानेंगे, तो लेट साई एक्स वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस वाई, ये हो गया आपका स्टेप वन। ठीक है, अब स्टेप टू क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट साई विद टू एक्स एंड वाई, तो करिए नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट, तो करिए साई एक्स एक्स वाई, अब आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव आपको इसके रिस्पेक्ट करना है एक्स के, तो एक्स की टर्म वेरिएबल है और वाई की टर्म कांस्टेंट है और कांस्टेंट प्रोडक्ट में पड़ा रहेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोस वाई, सिमिलरली साई का रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो
y वाला टर्म वेरिएबल और साइन हाइपरबोलिक एक्स कांस्टेंट, तो साइन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज और कोस वाई का डेरिवेटिव आपको पता है साइन वाई होता है विद ए नेगेटिव साइन, तो आपका पार्शियल डेरिवेटिव इज टू एक्स भी हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव इज टू वाई भी हो गया। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लेते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एंड थ्री, वी गेट, करिए पुट, एक्स की जगह जेड पुट कीजिए और वाई की जगह जीरो पुट कीजिए, तो ये आया साई एक्स जेड जीरो कोस हाइपरबोलिक जेड इंटू कोस वाई, कोस वाई होता है वन, तो ये आ गया कोस हाइपरबोलिक जेड, तो साई एक्स जेड जीरो, ठीक है। उसके बाद साई वाई जेड जीरो, तो इसमें जेड जीरो पुट कीजिए, माइनस साइन हाइपरबोलिक जेड और इंटू साइन जीरो, आपको पता है साइन जीरो कितना होता है जीरो, तो साई वाई जेड जीरो आया जीरो, ठीक है। नाउ अब ये दोनों निकल चुके हैं, नाउ एज वी नो दैट बाय मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है बताया था आपको, साई वाई जेड जीरो प्लस आयोटा साई एक्स जेड जीरो विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी, तो दैट्स द फॉर्मूला, आप पुट कीजिए साई वाई जेड जीरो की वैल्यू दैट इज जीरो प्लस आयोटा साई एक्स जेड जीरो की वैल्यू दैट इज कोस हाइपरबोलिक जेड डी जेड प्लस सी, तो ये बचा, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ आयोटा कोस हाइपरबोलिक जेड डी जेड प्लस सी, याद रखिएगा जैसे साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक होता है, कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होता है, इसी तरह इंटीग्रेशन भी कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक होती है और साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आयोटा एज इट इज कॉन्स्टेंट है और कोस हाइपरबोलिक जेड का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस सी, तो दैट इज योर एफ जेड, तो ये आ गया आपका एनालिटिक फंक्शन जो निकालना होता है। वैसे ध्यान से अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें एनालिटिक फंक्शन ही निकालना था, तो आप एनालिटिक फंक्शन निकाल चुके हैं यहाँ पे, तो आप रुक सकते हैं, आप चाहें तो इसके बाद आप रियल पार्ट भी निकाल के दे सकते हैं एक्स्ट्रा, इस क्वेश्चन में मांगा नहीं गया है बट स्टिल इफ यू वांट टू सोल्व इट तो यू कैन सोल्व इट, तो मैं सोल्व कर देता हूं सो दैट आपको कन्वीनियंट रहे फ्यूचर में, आयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है यहां तक, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला नहीं पता, मैंने एक तरीका बताया था आपको कि साइन आयोटा थीटा, एक न्यूमेरिकल कराया था इस तरह का, वो होता बेटे आई आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप ध्यान से यहां देखें, अब मैं यहां राइट टू लेफ्ट आऊंगा, तो राइट टू लेफ्ट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैं आयोटा मेरे पास पड़ा है इसलिए मैं आयोटा साथ में रखूंगा, तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन आयोटा थीटा, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको लेफ्ट में रख लिया, इसको राइट में, तो आयोटा मेरे पास पड़ा है इसलिए मैंने आयोटा साथ में रख लिया, इक्वल टू साइन आयोटा थीटा, तो जो भी एंगल है उसके साथ आयोटा लग जाएगा, तो ये किसके बराबर बना, साइन आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, थीटा है मेरा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी, तो ये आया साइन आयोटा एक्स माइनस वाई, क्योंकि आयोटा स्केयर माइनस वन होता है। उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल सकते हो आप, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, अब आपको पता है साइन के एंगल में आयोटा, तो वो क्या होता है, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो वही किया, यही वाला फॉर्मूला यूज किया, कोस वाई एज इट इज माइनस कोस के एंगल में आयोटा, तो सिर्फ वो हाइपरबोलिक में चेंज होता है साइन वाई, तो ये बराबर है यू प्लस आयोटा वी के, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड एफ जेड थी, तो ये हो गया यू प्लस आयोटा वी। अब आपको पता है मुझे सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, नाउ बाय कंपेयरिंग द
real parts both sides we get. हमें कहा नहीं गया था इस क्वेश्चन में रियल पार्ट के लिए, बट फिर भी मैंने निकलवा दिया. इधर का रियल पार्ट क्या है, यू इक्वल टू, इधर का रियल पार्ट ये आयोटा की टर्म है तो ये जुड़कनी है, ये रियल पार्ट है, माइनस कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट आंसर. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ऐसे आपने क्वेश्चन करना है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं किया क्वेश्चन में चेंज, थोड़ा बहुत ही फर्क है, सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है फाई और साई का. ठीक है, तो सबसे पहले हमें इमेजिनरी पार्ट गिवन था तो उसको पहले साई माना, फिर पार्शियल डेरिवेटिव सेक टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव सेक टू वाई किया, फिर एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट किया, मेरे पास आ गया साई एक्स जेड जीरो, साई वाई जेड जीरो, और उसके बाद फॉर्मूला जो आपका है उसमें आपने पुट कर दिया. फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला क्रैम करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता. ठीक है, मिलने थॉमसन मेथड कंपैरेटिवली इजी है एनालिटिक फंक्शन बनाने के लिए, बाकी मेथड कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ते हैं. ठीक है, तो इसलिए मैं मिलने थॉमसन मेथड पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं. तो प्लीज ट्राई टू यूज मिलने थॉमसन मेथड जब भी आपको किसी भी इमेजनरी, किसी भी रियल और किसी भी यू और वी के रिलेशन से एनालिटिक फंक्शन निकालने को बोला जाए. ठीक है, तो इसके बाद क्या किया, तो इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई आपको पता होना चाहिए, कोस हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक होता है और साइन हाइपरबोलिक थीटा का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक होता है. इसी तरह इंटीग्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आता, कोस हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक होता है और साइन हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन कोस हाइपरबोलिक, तो आयटा सेम साइन हाइपरबोलिक आ गया प्लस सी. तो ये मेरा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन था. वैसे क्वेश्चन में एनालिटिक फंक्शन ही मांगा हुआ था तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, बट मैंने थोड़ा सा और कर दिया एक्स्ट्रा, तो मैं इसका रियल पार्ट भी निकाल देता हूं, तो वो आपकी मर्जी है, वैसे क्वेश्चन में नहीं मांगा गया था. तो आयोटा सेम साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू पुट की और उसके बाद साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और उसके बाद आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज साइन आयोटा थीटा, सिंप्लीफाई किया जितना हो सकता है, और लास्टली आपने दोनों तरफ की रियल पार्ट कंपेयर कर लिया, तो दैट्स हाउ यू विल गेट द रियल पार्ट. अब थोड़ा नेक्स्ट ध्यान से देखिए क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं. इफ डब्ल्यू, मैंने बताया था आपका एफ जेड को डब्ल्यू बोलते हैं, इज इक्वल टू फाइव प्लस आयोटा साई, ये भी एक नोटेशन है, रिप्रेजेंट्स द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साई, मेरे को साई दे रखा है, साई का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिटरमाइन द फंक्शन फाई. अब आपको रियल पार्ट पूछ रखा है, डब्ल्यू नहीं पूछ रखा, तो बट हमारी मजबूरी ये है सबसे पहले हमारे मिलने थॉमसन मेथड से निकलेगा एफ जेड और उसके बाद आपका फाई निकलेगा, उसके बाद आपका रियल पार्ट निकलेगा, तो आपको चाहो ना चाहो एनालिटिक फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सीएसवीटीयू छत्तीसगढ़ में ईयर 2018 में पूछा जा चुका है, एमडीयू रोहतक में ईयर 2014 में, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ईयर 2010 में. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साई की वैल्यू है आपको एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अगेन सबसे पहला स्टेप यही होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसको साई मानो, ये ऑलरेडी साई गिवन है हमें, तो इसको हम बस ऐसे लिख लेते हैं साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन, यानी सेम ही रहा, कोई नया नाम नहीं मिला, बट साई ऑफ एक्स वाई लिख लिया सो दैट मुझे कन्वीनियंट रहे फर्दर सॉल्विंग. ओके, अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है. नाउ partially differentiate equation 1 with respect to x and y we get. तो आपको partial derivative करना है psi का with respect to x और y, करिए तो थोड़ा मुश्किल जरूर है, psi x x y, तो सेक टू एक्स करेंगे तो एक्स नोमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो आपको पता है जब भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल पड़ा हो तो आप हमेशा कोशेंट रूल लगाते हैं, तो नीचे कोशेंट रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस नोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डायरेटिव, डिनोमिनेटर है तुम्हारा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, उसका डायरेटिव करोगे तो टू एक्स प्लस जीरो आएगा क्योंकि वाई का विसेक टू एक्स जीरो आएगा. ठीक है, तो ये आया एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और यहां आया एक्स इंटू टू एक्स दैट इज टू एक्स स्क्र माइनस का अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र, तो ये बचा वाई स्क्र और माइनस टू एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर का,
जो भी है जितना भी मुश्किल डेरिवेटिव आया आपको करना ही पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव विसेक टू वाई। तो विसेक टू वाई करेंगे तो न्यूमरेटर में कॉन्स्टेंट है, डिनोमेटर में वेरिएबल है। आप चाहें तो 1/x का फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो फिर भी दोबारा फिर क्वोशेंट रूल लगा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एक्स का डेरिवेटिव विसेक टू वाई करेंगे जीरो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जीरो प्लस टू वाई। ओके, तो एक्स स्क्वायर का जीरो आएगा, वाई स्क्वायर का टू वाई आएगा। मैं यहां लिख देता हूं बाय कोशेंट रूल, बाय कोशेंट रूल। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आया, ये आया टर्म जीरो और ये आया माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे आया साई वाई एक्स वाई। ठीक है, तो आपके दो पार्शियल डेरिवेटिव निकल चुके हैं। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पता है, एक्स की जगह पुट करते हैं जेड और वाई की जगह पुट करते हैं जीरो। इक्वेशन थ्री मान लेते हैं। नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू जेड एंड वाई इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एंड थ्री, वी गेट, करिए इक्वेशन टू और थ्री में एक्स की जगह जेड पुट कीजिए, वाई की जगह जीरो पुट कीजिए, तो साई एक्स जेड जीरो, साई एक्स जेड जीरो पुट कीजिए, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, तो वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वेयर जीरो माइनस जेड स्क्वेयर अपॉन जेड स्क्वेयर प्लस जीरो का स्क्वेयर जीरो का होल स्क्वेयर। तो ये सिंप्लीफाई करके आया जेड स्क्वेयर अपॉन जेड रेस्ट पावर फोर, और सिंप्लीफाई करके आया 1/z स्क्वेयर। तो साई एक्स जेड जीरो आ गया 1/z स्क्वेयर, साई वाई जेड जीरो निकाल लें तो माइनस टू एक्स की जगह जेड वाई की जगह जीरो, तो वैसे जीरो ही हो गए और नीचे आएगा जेड स्क्वेयर प्लस जीरो का होल स्क्वेयर। तो ये सिंप्लीफाई करके आया जीरो, तो साई एक्स जेड जीरो निकल गया, साई वाई जेड जीरो निकल गया। नाउ एज वी नो दैट बाय मिलने थॉमसन मेथड, मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ जेड का फॉर्मूला क्या है, साई वाई जेड जीरो प्लस आयोटा साई एक्स जेड जीरो का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस सी। तो दिस इज द फॉर्मूला, साई वाई जेड जीरो की वैल्यू पुट करो दैट इज जीरो, प्लस आयोटा साई एक्स जेड जीरो की वैल्यू पुट करो दैट इज 1/z स्क्वेयर डी जेड प्लस सी। तो ये बचा, आयोटा बाहर निकाल लो जाए 1/z स्क्वेयर डी जेड प्लस सी। अब 1/z स्क्वेयर के इंटीग्रेशन आपको करनी है, मैं जेड की पावर माइनस टू लिख लेता हूं इसको प्लस सी। ठीक है, अब आपको पता है इसके इंटीग्रेशन क्या होती है, एक पावर बढ़ाएंगे माइनस टू प्लस वन और उसी से डिवाइड कर दें, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई करके आएगा माइनस आयोटा बाय जेड, होपफुली आपको आ गया हो समझ में, और ये है एफ जेड की वैल्यू। तो आपका एनालिटिक फंक्शन निकल चुका है, विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो अब एनालिटिक फंक्शन निकल चुका है, बट हमने इसका निकालना है रियल पार्ट। तो रियल पार्ट निकालने के लिए मैं सब्सटीट्यूट करूंगा जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस आयोटा वाई, और उसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है होप करूंगा। तो आपको पता होगा डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं छोड़ते, तो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा बचे तो हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं, तो नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। ये क्या बचा, माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई नोमरेटर में, और नीचे बचा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। क्लियर हो गया, अब मल्टीप्लाई करो नोमरेटर की नोमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे आएगा माइनस आयोटा एक्स, और माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा स्क्वेयर बाय अपॉन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो फर्स्ट का स्क्वेयर माइनस सेकेंड का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आया, माइनस आयोटा एक्स न्यूमरेटर में एज इट इज, आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस वन दैट इज माइनस वाई अपॉन डिनोमिनेटर में
एक्स का स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहां आटा स्क्वेयर आएगा, आटा स्क्वेयर माइनस वन होता है तो ए प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सी। तो अब जितना सिंप्लीफाई हो सकता था हो चुका है। अब आपको पता है लेफ्ट में क्या था, एफ जेड, एफ जेड वैल्यू होती है फाइव प्लस आयोटा साई, आप यू प्लस आयोटा वी भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आपने रियल पार्ट अलग चाहिए मिनी पार्ट अलग चाहिए तो मैं अलग अलग कर देता हूं, माइनस वाई के नीचे अलग कर दिया डिनोमिनेटर और आयोटा एक्स के नीचे अलग कर दिया, तो माइनस आयोटा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। अब फाइव प्लस आयोटा साई निकल चुका है, अब हमने सिर्फ रियल पार्ट चाहिए। नाउ बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ रियल पार्ट कंपेयर करो, लेफ्ट में रियल पार्ट कौन है फाइव और राइट में रियल पार्ट कौन है, ध्यान से देखो ये विदाउट आयोटा है, ये आयोटा के साथ है, तो ये आ गया प्लस सी, आप लगा सकते हो आंसर में, लगाना चाहते हो नहीं तो ऐसी कुछ दिक्कत भी नहीं है। दैट्स योर आंसर विच इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। लो जी हो गया, ठीक है, तो हो गया, समय आ गया, तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। मुझे साई गिवन था तो सबसे पहले उसको साई एक्स वाई माना, उसके बाद उसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया विसेक टू एक्स और वाई, तो विसेक टू एक्स करेंगे तो कोशेंट रूल लगाया तो ये आया, विसेक टू वाई करेंगे अगेन कोशेंट रूल लगा लिया, वैसे यहां जरूरत नहीं थी तब भी लगा लिया तो ये आया, उसके बाद एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो पुट किया तो साई एक्स जेड जीरो आया वन बाय जेड स्क्वायर और साई वाई जेड जीरो आया जीरो। उसके बाद आपको पता है मिलने थॉमसन मेथड क्या कहता है, एफ जेड की वैल्यू होती है साई वाई जेड जीरो प्लस आयोटा साई एक्स जेड जीरो डी जेड, सारा खेल इस फॉर्मूले का है, ये फॉर्मूला याद होगा तो आप फटाफट पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट मैंने साई वाई की वैल्यू पुट की, साई एक्स की वैल्यू पुट की, वन बाय जेड स्क्वायर बचा, वन बाय जेड स्क्वायर को मैंने जेड रेस पर माइनस टू लिखा, जेड रेस पर माइनस टू एंटीग्रेशन जाता है एक पावर ज्यादा और उसी से डिवाइड करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके आया ये माइनस आयोटा बाय जेड प्लस सी। तो दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन, बट हमें क्वेश्चन में जो मांगा गया था वो फाइव मांगा गया था, तो मुझे वी आर बाउंड टू सोल्व इट फॉर द रियल पार्ट। पिछले क्वेश्चन में रियल पार्ट हमने अपनी मर्जी से निकाला, बट इस क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट निकालना है, तो विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद आप रियल पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, जेड की वैल्यू पुट करते हैं और जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना करते हैं। ध्यान रखिए जब डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा हमेशा उसको खत्म करेंगे विद रैशनलाइजेशन, तो हमने रैशनलाइजेशन कर दी, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, और न्यूमरेटर ऐसे ही एक्सपेंड हो गया प्रोडक्ट करके और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके रियल पार्ट अलग कर लिया, मिनी पार्ट अलग कर लिया, और लास्टली मुझे आंसर में रियल पार्ट चाहिए, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट होगा तो स्टिल फील फ्री टू आस्क, जितने भी आपके डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।